जिंदगी जिंदाबाद। तो महाकाल फर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो मैं आज आपको ले जा रहा हूँ एक नए सफर पे। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन मत भूलना गाइस। आपने सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है। तो मैं आज आपको ले जा रहा हूँ नए सफर पे। हमारे एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का ही एक अपना रोमांचक सफर है। आज हम पहले जाएंगे नारक वासनी और फिर आपको ले जाएंगे श्रृंगी गुफा में, जहाँ पे काफ़ी सालों से एक साधु महात्मा जी रहते थे। उन्होंने बड़ी तपस्या की है वहाँ पे। तो आज हम आपको ऐसी गुफा दिखाएंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं गाइस तो प्राग पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ गाइस, और फिर उससे बाद बेल आइकन का भी, और साथ में मेरे साथ बने रहो, अभी जुड़े रहो, फिर आपको दिखाता हूँ मैं अभी नया सफर। चलो गाइस। बस चले, हाय कर दो सब्सक्राइब के लिए। हाय हाय, हेलो हेलो, मतलब क्या है? बस चले हो ना। तो आज क्या विचार है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? श्रृंगी गुफा? नहीं, क्रिकेट है, टूर्नामेंट लगे, दिल्ली आ रही है, चलो चलेंगे वापसी में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं नारक में अभी, और आप देखो यहाँ पे बोर्ड लगा है राजकट बागतन श्री रेणुका जी, आज मेरी ब्लैक घोड़ी। और यहाँ पे देखो हमारे को ये क्रांतिकारी शौकी भाई मिल गए हैं, और ये हमारे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर, बहुत ही अच्छे और बहुत ही। हेलो भाई। हेलो, आप कहाँ जा रही शौकी भाई? आप अब कमरे, चलो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बाकी हाय हेलो कर दो कुछ हमारे सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है फिर, जय हिंद। ठीक है ठीक। वाह देखो, ये अपना वासनी शहर, स्टेट बैंक की सुविधा भी है यहाँ पे। भैया हेलो भैया जी, चलो फिर आओ। हाँ जी हाँ जी, बाकी वीडियो बना रहे हो। रोड का काम चल रहा है और अभी रोड की सुविधा अभी सही रूप से नहीं है, बहुत खराब है हालत पूरी रोड की। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रृंगी गुफा जी के पास। देखो ये एंट्री गेट है, और तो हम पहुंच चुके हैं जिसका आपको अभी तक इंतजार था, तो इंतजार अब खत्म हो रहा है। और यहाँ पे देखो गेट है, तो अभी हम क्या जरा गेट खोलो। जय भोले हर हर महादेव। Thank you.
फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अभी सिंगी गुफा जी में, और यहाँ पर लाइट की सुविधा तो है पर आगे लाइट की सुविधा नहीं है, क्योंकि और यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिवलिंग गौरी शंकर जी की मूर्ति है, नंदी महाराज है, यहाँ पे हम टाइम है। तो चलो मैं आपको ये, हाँ चल आ जा, क्यों कुछ तो दिखेगा क्या? और क्या? ओम नमः शिवाय। पांच साल में काफी नीचे जाना पड़ेगा, काफी नगर भयानक। लो पकड़ दे रहा हूँ ताम जा। ये है 1 किलोमीटर एरिया की गुफा है। 1 किलोमीटर भी? 1 किलोमीटर में आगे तो जाया जाता है, यहीं तक जाया जाता है ना। सारे घूम के बिंदु 1 किलोमीटर है, सारे जाके हर रॉड में घूम के इधर को उधर को सारे ना, आराम से आराम से हर गुफा में जाके ना, सारे 500-600 मीटर है। यहाँ पे हम बच्चों को पकड़ने के लिए रहते ना बैठे, मतलब काफी रश होता उस दिन ना भैया, 2 दिन काफी रश। रुक सनी, पर मैं नीचे उतर लूं थोड़ा, 2 दिन काफी रश होता है। रुक जा सनी, अभी इधर से आ जा, परेश भैया तक परेश लो जी, आ जा रे हैं। YouTube पर लाइट की सुविधा होती है यहां फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अभी सनी जरा 1 मिनट हमें जाने दो आगे, पहले पताल लिंक बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे लोकल भाई भी है साथ में, ये पताल लिंक है, ये मोर है इधर सामने लिखा है मोर, दिखाएंगे थोड़ा, ये रहा ये नगाड़ा है ऊपर ढोल का, और ये ढोल नगाड़े, ये बस्ते पे कि ऐसे वाजबूज भी मारते? नहीं, ये वाजबूज तो नहीं मारते होंगे, पर बड़ा हुआ है, कुदरत का दृश्य है। लाइट होती ना तो हर कुछ दिखने की भाई जी, बस 1 तारीख को आ जाइए, लाइट 1 और 2 तारीख को लाइट, शिवरात्रि का मिल रहा है लाइट। ओके, यहाँ पे रहा, यहाँ पे आराम से खड़े हो जाओ, यहाँ से नहीं फिसलेंगे आप, पकड़ के ना जी, एक साइड से पकड़ लो, आज से ले लो फोन, आगे देख पड़ी ना जरा जी, ये केड़ा है, और ये ऊपर शिवलिंग के नीचे से यहाँ से पानी आया, यहाँ से ये देखो नीचे, एक फोन नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे शिवलिंग है ना ऊपर, हाँ जी हाँ जी, वहाँ से आया है पानी, ये जो साउंड आ रही है भैया, जो ये दिखेगा नीचे पानी, सही बात, हमको पता है ना, हम तो थोड़ा अभी भंडारे के लिए लकड़ियाँ कर रहे हैं, और वो आगे ये जो नीचे पड़े स्नेक है, सांप बोलते हैं इसको, ये जो बड़े है ना, कौन से जहाँ पे बैठे ये सांप के निशान है, मतलब ये देखो यो और तीन पानी के बीच में भी है नीचे, अभी अंधेरा है, बाकी लाइट में मेरे में बहुत अच्छा है, अंधेरा है सांप के, ये सांप के यहाँ पे क्या है भैया, अभी इसकी सफाई होगी जो ये फिसले है ना, हाँ जी हाँ जी, इसको सारी शिकोएंगे हम, बढ़िया मतलब शिवरात्रि को ओके हो जाएगी, ओके हो जाएगा यहाँ का काम, तभी लगे हुए हम यहाँ पे लकड़ियों का, अभी लकड़ियों का प्रबंध कर देना, लकड़ियाँ जुड़ा दी सड़क में ना, ये शिवलिंग का ही पानी आ गया अभी, है ना, नीचे से दूर पड़ जाता है ना, वहाँ फलाना शिवलिंग लकड़ियों के लिए, मंदिर है छोटा सा आगे, तब थोड़ा टाइम लगता है लकड़ियों के लिए ना, देखो तभी तो इसमें बल्ब नहीं लगाए गए, क्योंकि पानी के साथ अगर बल्ब बढ़ गया तो पानी के साथ कांची कांच हो जाते हैं ना, अब इसमें बल्ब लगाएंगे तब जब गुफा शिको देंगे सारे, ये देखो ये ऊपर कुदरत का नजारा है, ये देखो इधर
YouTube वालों के लिए बढ़िया है, बढ़िया एकदम मस्त जगह। पार्ली साइड ना उधर था, ये एक इंच पानी हो ना रे, एक इंच पानी आ रहा मादा, एक इंच तो नीचे देखा देने सारे हैं ना, खेतों में जाता है, खेतों में जाता, खेतों जाता है पानी, तो हम नीचे परमानेंट पानी है, हां जी हां जी, जरन शटर के पास पानी नहीं है, हां जी हां जी, यही का पानी है, यही पानी गया यहां से निकल रहा है, जब यहां पे भागवत वगैरह बैठते हैं ना, हां जी हां जी, तो लाते नहीं भर के पानी, तो वहां नीचे जहां से मैं निकला ना जहां पे वहां पे इसको भरते, ठीक है भैया। यहाँ बैठते थे मारे ऋषि जी, बाद में बताएंगे वो ये नंदी बेल का सिर है वहाँ पे, काला जो किया है, हाँ जी हाँ जी, और ये कुदरत का दर्शन है, ये यहाँ पे बैठते थे, वो यहाँ पे पूजा करते थे, उनका वो है पानी की साइड को ना शिवलिंग जैसे बनी पत्थर के साथ, एक बाबा भी मोर है महर्षि जी बैठते थे, गुम नहीं हुआ था तो निकला था बैठता था वो वहाँ पे, और वो यहाँ से ऊपर डिंगर किनारे यहाँ से रास्ते से 2-3 किलोमीटर है बाकी काफी आगे तक, इस गुफा से वहाँ निकले थे वो, ये जो गुफा है ना, हाँ जी हाँ जी, यहाँ से वहाँ निकले थे वो, फिर उन्होंने काफी दिन तक आवाज जलगाई, फिर वहाँ पे मशीन से खुद के फिर वहाँ पे निकाला गया उनको, हर कहीं पे इसमें आगे मुँह, अब तो यहाँ पे ये पत्थर से लगा दिए है, इसे बंद कर दिया गया है, यहाँ पे बंदा रहता है एक बैठा हुआ भाई, इससे आगे ना जाए, नीचे जैसे से दूसरी एक ऊपर ओके है गणेश वाली, उसमें जाना पड़ता है, सो के लास्ट तक ही, लास्ट में जाके वहाँ पे इतना सा स्थान भाई, और जो ये मंदिर के पास पानी इधर को आया उसको नीचे से काट देंगे जल कुंड के लिए ना, पीछे मंदिर के पीछे से कटता है वो, वहां से काटेंगे उसको, फिर वहां पे एक मंदिर के पास बैठेगा कमेटी वाला, ठीक है ठीक है, हवन कुंड होता है ऊपर भी, हवन कुंड होता है उस समय ऑक्सीजन की, मतलब जो बाहर से आते हैं उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी होती है इसमें, भीड़ भी होती है काफी, और ये भी होता है इसमें क्या नाम, धुआं भी होता है, लंबे लंबे सांस, ऑक्सीजन कम हो जाती है सांस। चलो अरे भैया लाइट की सुविधा तो दिया आपने बहुत, बस इतनी लाइट है हमारे पास फिलहाल अभी तो, बाकी 1-2 तारीख को फुल लाइट मिलेगी, कहीं तो नाम भी लिख कर गया, ओ भयंकर नाम है, और सबकी मनोकामना पूरी हुई जिन्होंने लिखा है, नाम का भी है कुछ ऐसा कि ऐसी, हाँ पत्थर के साथ नाम लिख सकते हैं, नीचे जाए थे ना वो ऊपर को जा रहे हैं, मतलब वहां पे ऊपर किसी को बुखार, मतलब बिल्ली तेरे को बुखार नहीं है, ये वाह नीचे जाने का रास्ता है, पर ऐसे वाह, और यहां से वापसी के लिए रखा है, और बाहर से लगभग 20 बंदे भेजेंगे इस गुफा के लिए, गणेश वाली गुफा के लिए ओनली 5 बंदे जाएंगे, तो वही तो यहां पे एक पॉइंट खतरनाक है ना, यही तो मेन पॉइंट है जो खतरनाक है, भारी दुनिया से कट्टी हो जाता है बंदा, राम से हां जी, गणेश भगवान का सिर, वो हाथी का सिर है यहां पे, उधर आपके पीछे पिछली साइड, इधर को यो ऊपर हाथी का सूंड, इसकी और जैसे हाथी का होता है ना वैसे, यहीं से तो आए थे हम अभी सनी, मतलब सारी मिलेगी यहीं पे, लास्ट पॉइंट यही है, तभी तो यहाँ से 20 बंदे डालते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ से भीड़ हो जाती है ना, और ये यहाँ से गणेश की ये गुफा जी, यहाँ से बढ़ते हैं हम, बढ़ते हैं यहाँ से एक मिट्टी वाला जॉब में, अब यहाँ पे आगे भीड़ होती है।
यहाँ पे शिवरात्रि का भंडारा भी होता है और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर अद्भुत एकदम दृश्य। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ है अपने मुकेश भाई। इन्होंने मुझे काफ़ी अंदर दिखाया गुफा में जाके, अभी बहुत अच्छा हेल्प किया इन्होंने। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1-2 तारीख को शिवरात्रि का मेला भी है यहाँ पे और भंडारे की सुविधा भी है और बहुत ही अच्छी गुफा लगी मुझे। और गाइस गोटे की व्यवस्था भी होती है यहाँ पे, तो गोटा थोड़ा कम पीना गाइस, गन वगैरह। और साफ़ सफाई एकदम साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा शिवरात्रि को, एकदम मंदिर बहुत ही अद्भुत और सुंदर आपको देखने को मिलेगा। अंदर अभी लाइट की व्यवस्था थी तो 1-2 तारीख को यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो मेरे भाई जितने भी है तो शिवरात्रि को श्रृंगी गुफा में ज़रूर आना, ये लानाबाका पंचायत में पड़ता है। और ये हमारे यहाँ से भाई सारे लोकल भाई है, भाई पीछे दूसरे भाई भी अपने, इनका नाम क्या है, योगेंद्र भाई। तो इन भाई ने बहुत हेल्प किया हमारा, अभी पूरा अंदर गुफा का दर्शन भी कराया हमें और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ आके। तो गाइज आपने ज़रूर आना यहाँ पे। जय महाराज।